26 अक्टूबर 2019 शनिवार की दोपहर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेलने में मशगूल थे। बाहर से वह अपने गेम में बिजी थे, परंतु अंदर ही अंदर अपने मिलिट्री फोर्सेस के साथ किसी बड़े मिशन के प्रोग्रेस रिपोर्ट का जायजा ले रहे थे। मिशन था आईसिस लीडर का खात्मा। दुनिया उसे अबू बकर अल बगदादी के नाम से जानती थी, एक घोस्ट जिसके मरने की खबर दुनिया के सामने कई दफा आ चुकी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके होने की खबर वह खुद देता था। मिडिल ईस्ट में छिपा अबू बकर अल बगदादी आईसिस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बड़े से बड़े आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था। मिडिल ईस्ट से लेकर यूके, यूएस, जापान में कई सारे सिविलियंस की हत्या का इल्जाम उस पर था। 26 अक्टूबर 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर सीरिया के बरिशक गांव में यूएस मिलिट्री ने घातक रेड को अंजाम दिया। अबू बकर अल बगदादी, जिसकी तलाश सालों से दुनिया को थी, फिर ऐसे कौन से इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने यूएस मिलिट्री को उसके पास पहुंचाया? CIA के भेजे हुए इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसके आधार पर यूएस मिलिट्री ने एक घातक रेड को अंजाम देने सीरिया पहुंची? अबू बकर अल बगदादी का जन्म 28 जुलाई 1971 में इराक के समारा शहर में हुआ था। पिता शेख अवाद, जो एक रूढ़ी इस्लामी थे, बगदादी का चाचा सदाम हुसैन के सिक्योरिटी सर्विस में काम करता था और भाई इराक आर्मी में ऑफिसर था। बगदादी ने इस्लामिक लॉ की पढ़ाई इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद में की। वहीं से 2013 में इस्लामिक स्टडी पर PhD भी की। वो कट्टर इस्लामी था। साल 2003 में जब यूएस ने इराक को इन्वेड किया, तब वो अपने लोगों के साथ जमाल जैश अल सुना वै जमा नाम के मिलिटेंट ग्रुप की स्थापना की। फरवरी 2004 में यूएस फोर्सेस ने उसे अरेस्ट कर अबू ग्रिब और कैम्बुका में डिटेन किया। माना जाता था कि उसका ताल्लुकात यूएस फोर्सेस के टॉप मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट नासिफ नोमन नासिफ के साथ था। 8 दिसंबर 2004 में उसे जेल से रिहाई मिली। उसके बाद बगदादी ने अपने ग्रुप के साथ 2006 में मुजाहिदीन शुरा काउंसिल को ज्वाइन किया। उसमें उसे शरिया कमेटी का हेड बनाया गया। आगे जाकर यह मिलिटेंट ग्रुप का नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक रखा गया, जिसमें बगदादी को ग्रुप का सीनियर कंसल्टेटिव काउंसिल का सदस्य बनाया गया। 16 मई 2010 को बगदादी को अबू उमर अल बगदादी के बाद आईसिस का लीडर बनाया गया। अबू बकर अल बगदादी का नाम टेरर फील्ड में बढ़ने लगा। 28 अगस्त 2011 में बगदाद के अलकुरा मॉस्क पर सुसाइड बॉम्बिंग में उसका नाम आया। 2011 के मार्च अप्रैल में साउथ बगदाद में उसी के कमांड पर 23 हमले हुए। उस समय यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने उस पर $10 मिलियन का इनाम रखा। 5 मई 2011 में इराक के हिला शहर में आतंकी हमले की जिम्मेदारी उसने ली। इस हमले में 24 पुलिसमैन मारे गए और 72 पुलिसमैन घायल हुए। उसके बाद अबू बकर अल बगदादी के आतंकी हमले बढ़ते गए। कई सारे मासूम मारे गए, जैसे मोसुल में सुसाइड अटैक जिसमें 70 डेथ, 22 दिसंबर 2011 में कार बॉम्बिंग में IED अटैक क्रॉस बगदाद जिसमें 63 लोग मारे गए और 180 घायल, यहां तक सीरिया में सिविल वॉर में कई सारे नागरिकों की हत्या करवाई। 14 अगस्त 2015 में एक रिपोर्ट अनुसार अबू बकर अल बगदादी ने कई औरतों को जबरन अगवा कर बलात्कार करवाया। कई दफा अबू बकर अल बगदादी के मरने की खबर दुनिया के सामने आई, परंतु वो वीडियो मैसेज के जरिए खुद के जिंदा होने के सबूत दुनिया को देता। अबू बकर अल बगदादी की आतंकी जड़ दुनिया में फैलने लगी। 2017 में यूनाइटेड स्टेट स्टेट डिपार्टमेंट ने अबू बकर अल बगदादी पर $25 मिलियन का इनाम रखा। इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन राउटर की रिपोर्ट मुताबिक इराक इंटेलिजेंस ने टर्किश फोर्सेस द्वारा गिरफ्तार किए गए कई आईसिस लीडर के इंटरोगेशन करने के बाद बगदादी के करंट एक्टिविटी का कुछ हद तक पता लगाया। अबू बकर अल बगदादी का मुख्य सहयोगी इस्माइल अल इताफी द्वारा दी गई जानकारी ने बगदादी तक पहुंचने में सबसे बड़ा किरदार निभाया। इराकी इंटेलिजेंस ने सारी इन्फॉर्मेशन CIA को सौंप दी। 2019 में यूएस, टर्किश और इराकी इंटेलिजेंस ने जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसमें हाई रैंकिंग आईसिस लीडर को पकड़ा गया। उन सभी लीडर से पूछताछ पर बगदादी का सीरियन लोकेशन की कच्ची पक्की जानकारी मिली। लीडर्स का कहना था कि उनकी आंखों में पट्टी बांधकर बगदादी के सामने लाया जाता था। CIA ने जैसे तैसे छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा कर सीरिया में बगदादी के लोकेशन का पता लगाया।
यूएस फोर्सेस ने सीआईए के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए बगदादी के लोकेशन पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अल बगदादी अपने परिवार के साथ भागने में कामयाब हो चुका था। कुर्दिश नेतृत्व में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने इस ऑपरेशन में बहुत बड़ी सहायता प्रदान की। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट मुताबिक आईसिस का एक मिलिटेंट कुर्द का सबसे बड़ा खबरी निकला। उसके दिए हुए क्रिटिकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने यूएस फोर्सेस का बगदादी तक पहुंचने का सही रास्ता दिखाया। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के कमांडो मजोलम आब्दी के कहने के अनुसार कुर्द का यह खबरी बगदाद के इनर सर्कल में सिक्योरिटी एडवाइजर का काम करता था और उसी के गढ़ में रहकर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन यूएस फोर्सेस तक पहुंचाता। कुछ हफ्तों तक रिपोर्ट सुरक्षित रखने के बाद धीरे धीरे यूएस फोर्सेस ने रिपोर्ट को अच्छे से समझा। कुर्द के खबरी ने बड़े चालाकी से बगदादी का ब्लड सैंपल और अंडरवेयर चुराकर यूएस इंटेलिजेंस को डीएनए एनालिसिस के लिए सौंप दिया। रिपोर्ट पॉजिटिव निकली, जिससे इतना तो साफ हो चुका था कि खबरी की खबर सही है। धीरे धीरे बगदादी के ठिकानों का पता भी लगने लगा। बगदादी उस वक्त सीरिया के इदलिब में था। इदलिब पर उस वक्त आईसिस के अपोनेंट जिहादी ग्रुप हाया तेरिल अलशाम का दबदबा था। हाया तेरिल अलशाम का अलकायदा के साथ क्लोज कनेक्शन था। बगदादी इदलिब को सबसे महफूज समझता था, क्योंकि यूएस फोर्सेस ने सीरिया के सभी अड्डों में नजर गड़ाया हुआ था। यूएस के दो ऑफिसर्स ने अपने सर्वेलेंस रिपोर्ट में बताया था कि बगदादी जुलाई 2019 से इदलिब के बारिशक गांव में था। यूएस फोर्सेस ने वहां पर किसी भी तरह का ऑपरेशन करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वहां अलकायदा के साथ साथ एयर स्पेस सीरिया और रशियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। ऑपरेशन कमांडर जनरल फ्रैंक मैकिन्जी के मुताबिक यूएस फोर्सेस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। जरूरी था वहां के टाइमिंग्स, वेदर, ल्यूना डेटा के जानकारी के साथ साथ मिली हुई इंटेलिजेंस रिपोर्ट का सही से मूल्यांकन भी करना, क्योंकि यह सभी फैक्टर्स रेड के वक्त बड़ा असर कर सकता था। टर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री के कहने के मुताबिक टर्किश और यूएस मिलिट्री अथॉरिटी के बीच इदलिब में होने वाले रेड के बारे में बातचीत हुई, ताकि कंफ्यूजन में ऑपरेशन के वक्त दोनों फोर्सेज में क्लैश ना हो। मिशन में कोई भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए यूएस मिलिट्री ने इदलिब में होने वाले रेड की पूरी और सही जानकारी टर्किश मिलिट्री को न दी। दोनों मिलिट्री अथॉरिटी के बातचीत बाद टर्किश ऑफिशियल ने हाया तेरिल अलशाम मिलिटेंट को साफ साफ इंस्ट्रक्शन में यूएस मिलिट्री फोर्सेज के हेलीकॉप्टर में हमला न करने को कहा। जनरल फ्रैंक मैकिन्जी ने डिफेंस डिपार्टमेंट लीडर को इंटेलिजेंस रिपोर्ट के प्लान के बारे में बताया। 25 अक्टूबर 2019 को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्क हैस्पर और साथ साथ में चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिले ने इदलिब में होने वाले रेड की इजाजत अपनी तरफ से दी। सबसे आखिर में जरूरी था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप का अप्रूवल। इदलिब में होने वाले रेड की प्लानिंग और इंटेलिजेंस लेआउट की जानकारी पाकर प्रेसिडेंट ने भी अपना अप्रूवल दिया। उसके बाद यूएस ने टर्की और रशिया की क्लियरेंस भी पा ली। 26 अक्टूबर 2019 ऑपरेशनल कमांड जनरल फ्रैंक मैकिन्जी ने ईस्टर्न टाइम जोन के मुताबिक सुबह 9 बजे यूएस फोर्सेस को मिशन स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप अपने सिविलियन और मिलिट्री लीडर्स के साथ शाम 5 बजे व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में इकट्ठा हुए। उस वक्त सीरिया में रात के 11 बज रहे थे। यूएस जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड के फर्स्ट डेल्टा फोर्स ऑपरेटर्स और साथ साथ में यूएस आर्मी रेंजर के 75th रेंज रेजिमेंट इराक के अल असाद एयरबेस पर पहुंच गए थे। ठीक 70 मिनट बाद पूरी टीम बोइंग MH-47 चिनुक्स और सिकॉस की UH-60 ब्लैक हॉक जैसे 8 मिलिट्री हेलीकॉप्टर के साथ मिलिट्री रेड करने एक आइसोलेटेड एरिया में पहुंची। यह जगह बरिशक गांव से 300 मीटर दूर और इदलिब से 5 किलोमीटर दूर था। टीम का मकसद था बगदादी को पकड़ना या फिर उसे जान से मार देना। प्रेसिडेंट और उनकी टीम ऑपरेशन लाइव देख रही थी। असॉल्ट टीम को मल्टीपल ड्रोन्स और आर्म्ड हेलीकॉप्टर द्वारा कवर किया जा रहा था। नॉन मिलिटेंट और बच्चों पर हमला न करने का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टीम को दिया गया था। डेल्टा फोर्स ऑपरेटर्स मिलिट्री वर्किंग डॉग्स और मिलिट्री रोबो के साथ आगे बढ़े। हेलीकॉप्टर पर दो लोकेशन से हमला हुआ जो टारगेट बिल्डिंग से बाहर और ऑपरेशनल एरिया पर था। सपोर्टिंग हेलीकॉप्टर्स ने जवाबी हमला किया और हमलावरों को तुरंत न्यूट्रलाइज किया। डेल्टा फोर्स ऑपरेटर कमांड के बाहर घेराबंदी करके शांतिपूर्वक अरेबिक भाषा में लोगों को बाहर आने को कहा। बिल्डिंग से बाहर आए कुछ लोगों को तुरंत चेक करके बिना हथियार के लोगों को अलग ऑपरेशनल एरिया से बाहर सुरक्षित निकाला गया। उन सब में से सुरक्षित बच्चे भी थे। डेल्टा फोर्स ऑपरेटर के कमांड पर कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया और बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया, जिससे टीम को खतरा महसूस हुआ। फिर एक बार वार्निंग देते हुए कोऑपरेट करने को कहा, लेकिन लोग फिर भी न माने। उन लोगों में से कुछ ने सुसाइड वेस्ट पहन रखा था, ऐसा शक फोर्सेस को हुआ और तुरंत उन पर गोलियां चला दी।
10 लोग मारे गए जिसमें से 6 आईसिस मिलिटेंट और 4 महिलाएं थी। आउटर एरिया क्लियर करके डेल्टा फोर्स कंपाउंड के एंट्रेंस में लगे हुए बॉबी ट्रैप्स और दीवालों में लगे हिडन एक्सप्लोजिव को न्यूट्रलाइज करते हुए कंपाउंड के अंदर तेजी से घुसे। अंदर घुसते ही दुश्मनों को मार गिराते हुए टारगेट बिल्डिंग के बिल्कुल करीब आ गए। डेल्टा फोर्स ऑपरेटर को अपनी तरफ आता देख डर से पगला बगदादी वेस्ट पैर कर अपने 2 बच्चों को साथ लिए प्रीमाइसिस के नीचे वाले टनल में भागने लगा। डेल्टा फोर्सेस ऑपरेटर मिलिट्री वर्किंग डॉग के साथ पीछे भागने लगे। बगदादी टनल के डेड एंड तक पहुंच गया और भागने का कोई भी जगह बचा नहीं था। डेल्टा फोर्स ऑपरेटर को अपने करीब आता देख डर से सुसाइड वेस्ट को डिटोनेट कर दिया। इस धमाके में बगदादी और उसके 12 साल के 2 बच्चे मारे गए। डेल्टा फोर्स ऑपरेटर के लिए डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट करना जरूरी था। उनके साथ लैब टेक्नीशियन ने 15 मिनट में डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट कर लिया। डेड बॉडी का डीएनए और विजुअल एविडेंस पॉजिटिव निकला, जिसे साफ साफ कंफर्म हो चुका था कि डेड बॉडी बगदादी का ही था। आईसिस का टॉप मोस्ट लीडर और एक डरपोक टेररिस्ट अबू बकर अल बगदादी कायर की मौत मारा गया। असॉल्ट टीम ने बिल्डिंग में 2 बंदूकों को छुड़वाया और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को सीज कर लिया। उन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में से 6 सेलफोन्स, 4 लैपटॉप और कुछ यूएसबी फ्लैशेस डिवाइस भी थे। सीरियन टाइम के मुताबिक रात 3:30 बजे असॉल्ट टीम चॉपर में बैठकर रेड एरिया से सुरक्षित बाहर निकल गई। यूएस फोर्सेस के बाहर निकलते इराकी एयरफोर्स ने F-15 जेट्स और MQP रिपल ड्रोन से बगदादी के कंपाउंड पर एयर स्ट्राइक करके पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया। एयर स्ट्राइक में AGM-158, JASM क्रूज मिसाइल और 114C फायर गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। यूएस फोर्सेस ने इस रेड को सफलतापूर्वक 2 घंटों में पूरा कर लिया। अक्टूबर 2019 सुबह 9 बजे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबू बकर अल बगदादी को यूएस फोर्सेस द्वारा रेड में मारे जाने की घोषणा की। ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कहते हुए यूएस फोर्सेस की तरफ से कैजुअलिटी में मिलिट्री वर्किंग डॉग जो बगदादी का पीछा कर रहा था और एक्सप्लोजन के समय घायल होने की बात कही। यह बहादुर मिलिट्री वर्किंग डॉग का नाम कैनन है। प्रॉपर मिलिट्री ट्रीटमेंट के बाद कैनन फिर वापस मिलिट्री सर्विस पर लग गया। डोनाल्ड जे ट्रंप ने बगदादी को एक डरपोक और कमजोर आदमी कहा। यूएस फोर्सेस ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कायला म्यूलर रखा। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। कायला म्यूलर एक अमेरिकन डॉक्टर थी जिसे आईसिस ने सीरिया में अगवा किया। आईसिस द्वारा उसे कई सारी यातनाएं झेलनी पड़ी। जॉर्डन एयरफोर्स द्वारा किए हुए एयर स्ट्राइक की घटना में वे मारी गई। न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट्स के अनुसार बगदादी ने कायला म्यूलर के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार और जबरन शादी करने की कोशिश भी की। अबू बकर अल बगदादी को मारकर यूएस फोर्सेस ने कायला म्यूलर को इंसाफ दिया और न जाने कितनों के दुख और तकलीफ का हिसाब पूरा किया। कायला म्यूलर की याद में इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कायला म्यूलर रखा। तो दोस्तों, यह कहानी थी यूएस फोर्सेस द्वारा की गई सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन की। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहादुरी और शौर्य से भरी हुई कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।